हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपके घर में जो आपकी बेटियां हैं उनके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब आपने इसकी क्लास ली होगी, ट्रेनिंग की, जेंडर सेंसिटाइजेशन की, उस समय आपको मैडम ने या सर ने बताया भी होगा कि एक सेफ गाड़ी नाम का एक ऐप है, उसमें बहुत सी जानकारियाँ होती हैं। तो मैं अभी सेफ गाड़ी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी कमर्शियल ड्राइवर भाइयों के लिए जो ये मानस फाउंडेशन है, ये स्कॉलरशिप देता है, उसी के बारे में आपको बताऊँगा। और ये स्कॉलरशिप इसलिए दी जाती है ताकि जो गरीब ड्राइवर भाई जो होते हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ये दिया जाता है। इससे उनको पढ़ाई लिखाई करने में, आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि दोस्तों, इसके लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्म भरना पड़ेगा, तो फार्म कहाँ से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, उसमें कौन कौन से दस्तावेज यानी कि कागज़ लगेंगे, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें सारे कमर्शियल ड्राइवर भाई ही इसमें एलिजिबल होंगे, अन्य ड्राइवर इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके पास बैच होगा वही एलिजिबल होंगे, जो ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, बस, जितने भी हमारे कमर्शियल ड्राइवर भाई हैं वही एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको एक ये लिंक है, मैं आपको बता दूं, ये वाला लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, ये जो लिंक है ब्लू कलर का, इस लिंक को मैं आपको दे दूंगा। तो हम इस लिंक को खोलेंगे दोस्तों, खोलने के बाद हमारे पास एक फार्म खुल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं क्लिक करता हूँ और आपको बताता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अभी हमारा फार्म खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फार्म खुल चुका है। सबसे ऊपर लिखा छात्रवृत्ति फार्म, IGL एंड मानस फाउंडेशन। तो दोस्तों, ये मानस फाउंडेशन और IGL जो हमारी गैस की कंपनी है, ये दोनों मिलके ये स्कॉलरशिप देते हैं। ये दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम, सभी दिल्ली NCR के ड्राइवरों को मिलती है। मिलती उन्हीं को है जिनकी बेटी 9वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा में आई हो, एडमिशन लिया हो, उन्हीं को दोस्तों ये स्कॉलरशिप मिलेगी उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो दोस्तों, उसको ऊपर करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको उस छात्रा का नाम लिखना है, अपनी बेटी का नाम लिखना है जो 9वीं क्लास में या 11वीं क्लास में इस समय पढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों, उसके नीचे लिखा हुआ है छात्रा का व्हाट्सएप नंबर। तो छात्रा का व्हाट्सएप नंबर का मैं बता दूं आपको दोस्तों, अगर लड़की के पास मोबाइल है तो वो व्हाट्सएप चलाती है तो उसका नंबर दे सकते हैं आप। अगर उसके पास मोबाइल नहीं है तो माता पिता में से किसी के पास भी एक मोबाइल तो घर में होगा ही होगा, और व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी करते होंगे, तो वही नंबर इसमें आपको डालना है। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ छात्रा की जन्मतिथि, यहाँ पे अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। चलिए दोस्तों, इसको और ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ घर का पता, यहाँ आपने अपना घर का पता डालना है, चाहे आप किराए पे रहते हो या आपका अपना मकान हो, और वो पता बिल्कुल आपको सही सही पता डालना है पिन कोड के साथ। चलिए दोस्तों, इसके बाद नीचे और देखते हैं छात्रा की कक्षा, आपकी बेटी कौन सी क्लास में आई है, 9वीं में या फिर 11वीं में।
अगर नौवीं में आई है तो ऊपर वाले गोले पर टिक करेंगे, अगर ग्यारहवीं में आई है तो नीचे वाले गोले पर टिक करेंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है दोस्तों विद्यालय का नाम। तो ये यहाँ पे अपना जिस स्कूल में आपकी बेटी पढ़ती है उस स्कूल का नाम एवं पता, उसका नाम भी लिखना है और उसका पूरा पता लिखना है पिन कोड के साथ। उसके नीचे लिखा है पिता का नाम, यहाँ बेटी के पिता का नाम लिखना है, उसके नीचे माता का नाम लिखना है। चलिए दोस्तों इसको और ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको छात्रा का आधार कार्ड डालना है, जो आपकी बेटी का आधार कार्ड बना हुआ है उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे माता पिता का मोबाइल नंबर, यहाँ पे माता का है या पिता का है किसी दोनों में से एक का मोबाइल नंबर यहाँ पे, या दोनों का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम और इसको ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन सा वाहन चलाते हैं, यानी कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कैब टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, या हैवी व्हीकल चलाते हैं, या ग्रामीण सेवा चलाते हैं, या फिर ई रिक्शा चलाते हैं। आप जौन सी भी गाड़ी चलाते हैं उसी पे यहाँ पे आपने उसी गोले पे टिक करना है। उसके नीचे दोस्तों लिखा हुआ है जेंडर, संवेदनशीलता की ट्रेनिंग लेने की तारीख। तो दोस्तों यहाँ पे आपको, आपने जिस दिन ये क्लास ली थी जेंडर सेंसिटाइजेशन की, उसकी तारीख यहाँ पे डालनी है। चलिए दोस्तों इसको और ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है ट्रेनिंग सेंटर का नाम। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूछता है, तो आपने अगर बुराड़ी डाला है, सराय कालेखां डाला है, लोनी डाला है, नोएडा डाला है, गुरुग्राम डाला है, आपने जहाँ जिस भी अथॉरिटी का नाम डाला है इस तरफ बने गोलों में उसी पे आपने टिक कर देना है। ध्यान से दोस्तों सही सही टिक करना, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यहाँ पर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देना है। चलिए दोस्तों ऊपर करते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ पे लिखा है क्या छात्रा का बैंक अकाउंट है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्या छात्रा का बैंक अकाउंट है, अगर है तो हाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो ना पे क्लिक कर देंगे। उसके नीचे लिखा हो इस फॉर्म में आप किस के बैंक का विवरण दे रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ आप इस फॉर्म में किसके बैंक का विवरण दे रहे हैं, अगर छात्रा का अकाउंट है तो छात्रा पे कर देंगे, नहीं तो छात्रा की यानी कि आपकी बेटी की माँ का अगर अकाउंट है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। दोनों में से एक का अकाउंट होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रा माता के बैंक का नाम और शाखा किसी एक का विवरण दें। आपने जो भी बैंक अकाउंट ऊपर डाला है माता का या छात्रा का, उसका नाम और वो शाखा कहाँ पर है उसका पूरा एड्रेस और बैंक का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। चलिए दोस्तों इसको और ऊपर करता हूँ। यहाँ पे आपको IFSC कोड आपकी पासबुक में मिल जाएगा, वो डालना है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है बैंक का, चाहे आपकी बेटी का हो या आपकी बेटी की माँ का हो, जिसका भी आप दे रहे हैं, एक का ही दें, अलग अलग ना करें, उसी का पूरी डिटेल डालें। यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर डालना है, उसके नीचे छात्रा की फ़ोटो, यहाँ पे अपनी बेटी की फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। वो कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। ये जो ब्लू कलर का जो एड फाइल लिखा हुआ है दोस्तों, एड फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा। आपने एक अपनी बेटी की चेहरे से थोड़ा सा नीचे, मतलब चेहरा साफ आना चाहिए, उतनी फ़ोटो खींचनी है और अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों और ऊपर करेंगे। अब नीचे लिखा हुआ है कमर्शियल ड्राइवर की फ़ोटो, यहाँ पे दोस्तों जो गाड़ी चलाता है जिसकी बेटी है उसकी फ़ोटो,
तरीका वही है, ये ऐड फाइल पे आप क्लिक करेंगे, कैमरा खुल जाएगा, फ़ोटो खींचेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। उसी तरीके से दोस्तों नीचे लिखा हुआ 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रमोट होने का प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट। तो दोस्तों जब आपकी बेटी ने 8वीं या फिर 10वीं क्लास पास करी होगी, उसे मार्कशीट मिली होगी, वो मार्कशीट आपको यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है। ध्यान रहे दोस्तों, जिस कागज़ की आप फ़ोटो खींच रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से फ़ोटो खींचने, साफ साफ जो पढ़ने में साफ नज़र आए। चलिए दोस्तों इसको और थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो, आपने यहाँ पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो अपलोड करनी है। तरीका वही है, यहाँ पे बैंक पासबुक क्लियर फ़ोटो जिसे पढ़ा जा सके उस तरीके से आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ सबसे मेन चीज़, ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है दोस्तों, आप इसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट एडमिशन स्लिप की फ़ोटो इसको पढ़ के आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो दोस्तों मैं इसकी पूरी आपको जानकारी दे देता हूँ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है और एडमिशन स्लिप क्या होती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, एडमिशन स्लिप तो आपको पता ही होगी, एडमिशन स्लिप वही होती है जब आपने अपनी बेटी का एडमिशन 11वीं में या फिर 9वीं क्लास में करवाया होगा, तो सारे कागज़ आपने जमा कर दिए होंगे, उसके बाद में वहाँ जो सर होंगे या मैडम होगी उन्होंने एक पर्ची आपको दी होगी, या तो आप उस पर्ची की फ़ोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में आपको देता हूँ जानकारी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह साफ साफ लिखा हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, जानिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट 2021 से जुड़ी सभी जानकारी। तो दोस्तों ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है इसको हम मूल निवास कहते हैं। मूल निवास का मतलब होता है दोस्तों हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा प्रॉपर एड्रेस क्या है, उसी को कहते हैं मूल निवास या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर इसको आपने बनवाना है तो ये एसटीएम ऑफिस से बनता है, अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं साइबर कैफ़े पे चले जाएं, वहाँ पे भी ये बना देंगे। उसमें जो है आपका जो भी 100-200 जो भी खर्चा आएगा वो ऑनलाइन बना देगा, और आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो डॉक्यूमेंट आप उसको दे देंगे, तो वो भी बड़े आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, इसको बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने ये करने के बाद सारा कुछ यहाँ पे आपने बोनाफाइड या एडमिशन स्लिप ऐड फाइल पे क्लिक करके कैमरा खुल जाएगा, उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देनी है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको दोस्तों सबसे नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है ये सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा और उसकी पूरी जानकारी आ जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, उसका नंबर ये है, सब कुछ आ जाएगा, उसको संभाल के रख लेना दोस्तों। तो यही थी जानकारी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मैं ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।